नमस्ते प्रोफेसर अभय दुबे के साथ साप्ताहिक बातचीत में आपका स्वागत है। चीजें बहुत राजनीतिक रूप से बहुत सी चीजें हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में वोट आज पड़ गया, गुजरात के इलेक्शन में मोर और लेस सब पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार करीब करीब तय कर लिए हैं। उधर बाई इलेक्शन हुआ, उधर संजय राउत जी छूट गए, भारत जोड़ो यात्रा अपने हिसाब से चल रही है और बहुत सी चीजें हो रही हैं जो राजनीतिक रूप से बहुत मतलब देश में इस समय काफी एक्टिविटी है। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपसे शुरू यही करना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक नई चीज देखने को मिली कि बीजेपी जो बहुत ही ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती थी, वहां पे बहुत ही आंतरिक कलह और आपसी फूट बहुत, क्योंकि काफी रिबेल कैंडिडेट्स खड़े हो गए और ये सब हुआ। इसको क्या क्यों क्या इसको आप कैसे देख रहे हैं? और उसमें जो एबीसी वोटर का जो लास्ट आया था, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बिल्कुल नेक टू नेक फाइट भी वो दिखा रहे थे, तो आपके हिसाब से किस तरफ है जो बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कही जाती है, उस बात को बीजेपी के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सुसंगठित और अनुशासित दल है, अनुशासित संगठन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम मास पार्टियों जैसी ही है। आम जो आम तौर पर जन पार्टियां होती हैं, जो जनता को सीधे सीधे राजनीतिक मांगों और राजनीतिक घोषणा पत्र के तहत संबोधित करती हैं, भारतीय जनता पार्टी वैसी ही है। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चुनावी इतिहास को देख लीजिए, वहां पर जब भी टिकट बंटते हैं तो हंगामा होता है, बगावत होती है, यहाँ तक कि भाजपा के दफ्तरों में घुसकर मारपीट भी होती है और नेताओं को हूट भी किया जाता है। ये सब होता है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इससे अन्य प्रदेशों में इतनी बेचैनियां नहीं पैदा होती जितनी बेचैनियां हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई हैं। उसका एक कारण है, उस कारण को समझना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कुल 55 लाख वोटर हैं, बहुत ही छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं। मंडी में केवल 1 लाख, मंडी एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां पे 1 लाख वोटर है, बाकी हिमाचल प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 1 लाख से कम वोटर हैं। और उन निर्वाचन क्षेत्रों में अगर कोई बागी खड़ा हो जाता है और 4 या 5 हजार वोट भी काट लेता है तो वो चुनावी जीत हार का कारण बन जाता है। पिछले चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, वहां पर मेरे ख्याल से 26 या 30 सीटें ऐसी थी जहां पर 2 से 2.5 हजार वोटों के बीच में फैसला हुआ था और उसमें 10-11 सीटें थी इसमें 1 हजार से कम वोटों से फैसला हुआ था। एक सीट तो ऐसी थी जहां केवल 120 शायद किन्नौर जो आरक्षित सीट है वहां पे 120 वोटों से फैसला हुआ था और उसके अंदर नोटा उससे दूने थे, मतलब नोटा की संख्या उससे ज्यादा थी। इससे आप अंदाज लगा लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो आबादी मूलक संरचना है वो कुछ खास तरह की है, दूसरे प्रदेशों में ऐसी नहीं है। वहां पर बागी वोटर, बागी उम्मीदवार बहुत असर डालता है। बागी उम्मीदवार किसी पार्टी को सरकार में आने से रोक सकता है। इस वक्त भाजपा के खिलाफ 21 बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ मेरे ख्याल से 10 या 12 बागी उम्मीदवार लड़ रहे हैं। कांग्रेस को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा है, तो भाजपा काफी कोशिश करने के बावजूद भी इस समस्या का सामना नहीं कर पाई। इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास भी है। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार चुनाव के आखिरी दिनों में प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, बिल्कुल आखिरी दिनों में, मेरे ख्याल से आखिर के 6-7 दिनों में उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। तो उससे पहले वो नेतृत्व कर रहे थे लेकिन वो अधिकृत उम्मीदवार नहीं थे। अब चुनावी नतीजा निकला तो भाजपा तो चुनाव जीत गई लेकिन प्रेम कुमार धूमल अपना चुनाव हार गए और उसके बाद से उनकी अपनी राजनीति भाजपा आला कमान ने खत्म कर दी। जयराम ठाकुर को उनकी जगह मुख्यमंत्री बना दिया गया और वही इस वक्त भी भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं। तो प्रेम कुमार धूमल और उनके परिवार को अच्छी तरह से पता है कि उन्हें किसने हरवाया। जो भी भाजपा की अंदरूनी राजनीति को जानते हैं वो जानते हैं कि उन्हें जगत प्रकाश नड्डा ने हरवाया। तो इस वक्त भाजपा के अंदर एक अंतर्द्वंद है। ऊपर से सब लोग कह रहे हैं कि भाई भाजपा इस बार रिकॉर्ड तोड़ देगी और वो पिछली हर बार 85 के बाद एक पार्टी दोबारा नहीं जीतती है लेकिन हम वो रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन भाजपा के अंदर एक जबरदस्त अंतर संघर्ष है जिसके अंदर दो शक्तिशाली परिवार जो है वो एक दूसरे के सामने अड़े हुए हैं और वो एक दूसरे की काट फांस हो रही है। इसीलिए तमाम मनाने के बावजूद भी जैसे कि अगर कहीं नड्डा का समर्थक उम्मीदवार को टिकट मिला है तो जो धूमल परिवार ने पूरी कोशिश की है कि उसके मुकाबले बागी खड़ा रहे। इसी तरह जब
जहां पर धूमल परिवार के समर्थक उम्मीदवार को टिकट मिला है वहां उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उम्मीदवार खड़ा रहे। मैं ये मानता हूं कि धूमल परिवार ये चाहता है कि जयराम ठाकुर दोबारा मुख्यमंत्री न बनने पाए। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की समस्याओं की शिकार है। और दूसरा, छोटे निर्वाचन क्षेत्र, थोड़े से वोटों के इधर उधर हो जाने से ही चुनाव नतीजे में तब्दीली, तो ये स्थिति है। जहां तक आपने कहा कि दोनों में टक्कर है, दोनों को कांटे का दिखाया गया है, मेरी निगाह जो देखती है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में लहर चल रही है जी। और हाँ, जनता प्लेट में सत्ता सजाकर कांग्रेस को भेंट करना चाहती है, लेकिन हम सब लोगों को यह शक है कि क्या कांग्रेस उस प्लेट को स्वीकार कर पाने की स्थिति में है। क्या कांग्रेस इस तरीके से चुनाव लड़ने की स्थिति में है कि वो प्लेट स्वीकार कर ले और सत्ता में आ जाए। ये हो सकता है कि कांग्रेस अपनी अक्षमताओं के कारण जीते जिताए चुनाव को हार जाए और भाजपा को पतली गली से निकल जाने दे, ये भी हो सकता है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है, अभी पिछले दिनों जब मतदान के 3 दिन पहले, यानी जब मतदान रुकना था उसके पहले जो सी वोटर का सर्वेक्षण हुआ था, उसमें दिखाया गया था कि 48% लोग ये कह रहे हैं कि वो सरकार बदलने के लिए वोट करेंगे। आप सोचिए, 48% लोग ये कह रहे हैं कि सरकार बदलने के लिए वोट करेंगे, ये कितनी बड़ी संख्या है। और जयराम ठाकुर की जो अपनी रेटिंग है मुख्यमंत्री के तौर पर और उनकी सरकार की, वो रेटिंग 48% से बहुत कम है। तो किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जीतने का कोई मौका वहां पर है नहीं। अगर कांग्रेस नहीं जीती तो वो खुद अपने आप को हराएगी। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में अब धीरे धीरे कर हो गई है और ये सर्वेक्षणों में भी दिखाई देने लगी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्वेक्षण एजेंसी कौन सी है और सर्वेक्षण करने वाला कौन है, उसका व्यक्तिगत रुझान भाजपा के पक्ष में है या खिलाफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। भाई प्रतिभा सिंह है और उनके बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह हैं। तो प्रतिभा सिंह से पूछा गया कि भाई आप बताइए, क्या आप अपने बेटे को अगला मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रही हैं? वो बगल में ही बेटा खड़ा हुआ था। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जब वो वक्त आएगा तब वो आशीर्वाद देंगे। यानी उन्हें भी पूरी तरह यकीन नहीं था कि हम चुनाव जीत सकते हैं। लहर चल रही है आपके पक्ष में, उसके बावजूद भी आप नहीं कह पा रहे हैं इस पूरे दावे के साथ कि चुनाव हम जीतेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये वीरभद्र सिंह का परिवार है जो कि न भाजपा में उतना बड़ा कोई नेता था और न कांग्रेस में कोई इतना बड़ा नेता है, इतने बड़े नेता थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति दरअसल है क्या। वहां पर जनता जिताना चाहती है, मुझे नहीं पता कांग्रेस जीतना चाहती है या नहीं जीतना चाहती जी। एक इसी का एक छोटा सा प्रश्न हिमाचल के ऊपर और भी है जी। एक चीज ये देखा कि इस बार का इलेक्शन किन्हीं भी कारणों से, उसके बाद से कारण है, हम लोग कई बार उस पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन मुद्दों पे थोड़ा टिक गया है। वो ओल्ड पेंशन स्कीम, सेव के दाम को लेके, उसकी खेती को लेके, अग्निवीर स्कीम को लेके थोड़ा लोकलाइज मुद्दे, सारे मुद्दे भाजपा के खिलाफ हैं जी। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें भी भाजपा सरकार से पूछा जा रहा है कि भाई आपने ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी क्यों रहने दी, खत्म, न्यू पेंशन स्कीम को जारी क्यों रहने दिया गया। उसमें बहुत नाराजगी है। अब कांगड़ा वाला इलाका है, अब कांगड़े वाले इलाके में तो अग्निवीर वाला मुद्दा भी बहुत हावी है जी। जी, अग्निवीर वाला मुद्दा हावी है, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला मुद्दा हावी है। और आमतौर पर जब मतदान करने के लिए लाइन में लगे लोगों से संवाददाता लोग पूछ रहे हैं कि आप किस बात पर वोट देंगे, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम चेहरे पर वोट नहीं देंगे, हम काम पे वोट देंगे। कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा है नहीं। आप सोचिए, ये एक ऐसा वाक्य है जिसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप साधारण मतलब निकालें तो कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। भाजपा के पास चेहरा है, एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, एक प्रधानमंत्री का चेहरा है। प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपके हर वोट से मेरी शक्ति बढ़ेगी, वो अपने आप को दांव पे लगा रहे हैं। और स्थानीय मुद्दे चूंकि सारे भाजपा के खिलाफ हैं, इसलिए वो राष्ट्रीय मुद्दों में भाजपा चुनाव लड़ रही है। भाजपा धारा 370 का सवाल उठा रही है, भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड का सवाल उठा रही है, भाजपा इस तरह महिला सशक्तिकरण का सवाल उठा रही है। भाजपा स्थानीय मुद्दों से बच रही है, कन्नी काट रही है जी। एक चीज नेता ये भी ठीक से इस बात पर चाहते तो वो एक इस बात का तूमार बना सकते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो कांग्रेस ने खत्म की थी,
2004 के बाद में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की थी और उसके बाद उनकी बहुत दिनों तक सरकार रही, 10 साल तक केंद्र में उनकी सरकार रही। आज स्थिति क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में सवाल के ऊपर एक समझौता हो चुका है। उस समझौते में केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को न्यू पेंशन स्कीम चलाने के लिए पैसा दिया है उसने। अगर ये समझौता रद्द होता है तो केंद्र सरकार को अधिकार है कि राज्य सरकार से वो पैसा वापस ले ले। जी, तो मामला बहुत तकनीकी रूप से ही फंसा हुआ है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये एक बहुत भाजपा के लिए नुकसानदेह मसला है। जी जी, एक चीज और अभय साहब आपसे समझना था, एक जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि चेहरा को मत देखो, केवल मुझे वोट दो, मेरे चेहरे को देख के वोट दो, और वो डबल इंजन सरकार की बात बार बार कर रहे हैं। मैं दो छोटे छोटे इसमें प्रश्न है, एक तो यह है कि डबल इंजन सरकार अगर विकास जैसा मोदी जी कहते हैं कि बहुत तेजी से करता है तो विनाश भी बहुत तेजी से करता है। मोरवी वाले उस पर हमने देखा कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड को। देखिए हिमाचल प्रदेश के मामले में साफ है, हिमाचल प्रदेश के जो स्थानीय पत्रकार हैं, अच्छे प्रभावशाली समझदार पत्रकार हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि एक इंजन भाजपा सरकार को पीछे खींच रहा है और एक इंजन आगे ले जा रहा है, दोनों इंजन एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। जयराम ठाकुर का इंजन जो है वो पीछे खींच रहा है सरकार को, मोदी जी का इंजन आगे ले जा रहा है, उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा भी दोबारा दिया वगैरह वगैरह है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की जो भाजपा सरकार है पिछले 5 साल उन्होंने बहुत घटिया सरकार चलाई। अब मोदी जी अपनी प्रतिष्ठा के दम पर इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। सवाल इस बात का है कि मोदी जी राज्यों की राजनीति में जब अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाते हैं तो कभी कभी तो उनका दांव ठीक बैठता है और कभी कभी उनका दांव ठीक नहीं बैठता है। मसलन पश्चिम बंगाल में उनका दांव ठीक नहीं बैठा, बिहार में उनका दांव ठीक नहीं बैठता है, बहुत जगह ऐसी है जहां उनका दांव ठीक नहीं बैठता है, दिल्ली में उनका दांव ठीक नहीं बैठता है। मुझे लगता है कि हिमाचल में भी उनका दांव नहीं लगेगा, अगर कांग्रेस थोड़ा जोर मार जाए तो मुश्किल, भाजपा के लिए ये राज्य बचाना मुश्किल है। जी, मैं एक चीज और वैसा आपसे समझू, गुजरात में पहली बार देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, हालांकि नर्मदा पाटिया के वो जो थे उनकी लड़की को टिकट दिया गया है, फिर उधर 11 लोगों को छोड़ा ही गया है, लेकिन समा वो बन नहीं रहा है। यहाँ पे भी आपको लग रहा है क्या स्थानीय मुद्दे थोड़ा हावी रहेंगे चुनाव के समय? कहाँ, गुजरात में? गुजरात में, गुजरात की मैं बात, गुजरात की बात कर रहे हैं। नहीं, जी गुजरात के राज्यों के चुनावों में स्थानीय मुद्दे ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप कितनी भी कोशिश करें कि वहां राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर लड़े, राष्ट्रीय मुद्दे वहां पर नहीं चलते हैं। गुजरात में भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का अदृश्य रहना, मतलब एक आप ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया है जिसने अभी तक गुजरात की जनता को समझा नहीं पाया है कि मैं मुख्यमंत्री हूं। और वहां भी भाजपा ने बहुत घटिया सरकार चलाई है। वहां समस्या क्या है कि भाजपा के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो आंकड़ों में भी साफ दिखाई पड़ती है सर्वेक्षण के, उस एंटी इनकम्बेंसी के वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बढ़ रहे हैं। अभी समय काफी है भाई, आज तो कितनी 13 तारीख है आज, तो 13 तारीख तक, 13 तारीख से लेके और दिसंबर के पहले हफ्ते तक जब मतदान होगा उस वक्त तक काफी समय है। इस समय में गुजरात का वोटर ये तय कर सकता है, गुजरात का जो भाजपा सरकार से नाराज वोटर है, एक संभावना है ये, वो तय कर सकता है कि कांग्रेस भाजपा को हरा सकती है, आम आदमी पार्टी हरा सकती है, कौन सी पार्टी उठती हुई पार्टी है, कौन सी पार्टी गिरती हुई पार्टी है, तो वो उसके पक्ष में उसका ध्रुवीकरण हो सकता है नाराजगी का। अगर ऐसा ध्रुवीकरण हुआ तो भाजपा के लिए वहां संकट पड़ जाएगा, लेकिन अगर ये ध्रुवीकरण नहीं हुआ और सरकार विरोधी भावनाएं बट गई तो भारतीय जनता पार्टी घटिया सरकार चलाने के बावजूद और एक अदृश्य मुख्यमंत्री के बावजूद भाजपा की सरकार दोबारा बन जाएगी। जी, और एक बार भूपेंद्र पटेल शपथ लेंगे और अधिकार किसको मिलेंगे, अमित शाह को। जी नहीं, लेकिन मैं इसको मैं थोड़ा सा फर्क ढंग से देख रहा हूँ। मैं जो देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि बहुत जबरदस्त नाराजगी है ग्रामीण क्षेत्रों में, कांग्रेस की थोड़ी जो भी कहें थोड़ी बेटर स्थिति है आम आदमी पार्टी के मुकाबले, और शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की बेहतर स्थिति है कांग्रेस के मुकाबले। अब ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए एंटी इनकम्बेंसी ये दोनों लोगों को शहर में इनको मिल जाए, वहां उनको मिल जाए, तब तो भाजपा फिर भी मुश्किल में है। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा होती है कि लोग सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं देते और इस बात की कोई परवाह नहीं करते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो काले चोर को वोट दे देंगे लेकिन वो सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हमेशा भाजपा सोचती थी कि सपा और बसपा के बीच में 90 के पूरे दशक में ऐसा होता रहा है।
सपा और बसपा के बीच में वोट बढ़ जाएंगे और हमको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि सपा को ही अकेले दम पे बहुमत प्राप्त होने लगा। बसपा चुनाव लड़ती थी लेकिन सपा को दूसरी बार बसपा को पहली बार बसपा को अकेले दम पे बहुमत प्राप्त हुआ, दूसरी बार सपा को अकेले दम पे बहुमत प्राप्त हुआ। तो हो कुछ भी सकता है चुनाव में। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति लग रही है कि एंटी इनकम्बेंसी के वोट बढ़ने से भाजपा को लाभ हो रहा है आज की तारीख। ये बदल सकता है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। ये बदल हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस भाजपा को हरा दे और शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी भाजपा को हरा दे और भाजपा दोनों जगह चुनाव हार जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक इस प्रकार के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि भाजपा का अपना जो वोट है करीब 40-41% वो कहीं से घट रहा है। जब तक अगर उसके अंदर क्षय होना शुरू हो जाएगा तब फिर वो स्थिति बनेगी जो आप कह रहे हैं। क्योंकि अब देखिए ऐसा है ना कि हम और आप भी उस राजनीतिक घरों से आए हैं, हमारे परिवेश में है। भाजपा ने मैनेज तो बेहतर किया है गुजरात में कि कम से कम लोगों से पहले ही बुलवा दिया कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं करेंगे, उसने वो हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सीख लिया है। लेकिन जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, मंत्री रहा हो, वो घर में बैठ के क्या दूसरे को कहेगा कि अच्छा अब मैं लड़ूंगा भी नहीं और तुम करोगे? ये संभव नहीं है। ये मानव उसके अगेंस्ट गुजरात में पिछले 27 साल से भाजपा है, तो भाजपा का जो समर्थन आधार है वो बड़ा स्पष्ट और मजबूत है। हिमाचल प्रदेश में तो हर बार सत्ता बदलती है तो समर्थन आधार लगातार हिलता रहता है, शिफ्ट होता रहता है, बढ़ता रहता है। वहां क्या है कि ब्राह्मण, राजपूत, जैन, ये एक ब्लॉक है जो करीब 10-11% का ब्लॉक है, ये लगातार भाजपा के साथ निष्ठापूर्वक रहता है। फिर लेवा पटेल और कड़वा पटेल मिलकर भाजपा के साथ निष्ठापूर्वक रहते हैं। इन दोनों में भाजपा ओबीसी वोटों का जोड़ लगाती है, साथ में कुछ आदिवासी वोट भी उसको प्राप्त होते हैं, कुछ दलित वोट भी उसको भाजपा को प्राप्त होते हैं, और कुछ इन सबसे परे जाकर एक हिंदुत्ववादी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हिंदुत्ववादी है, कट्टरपंथी मुसलमान विरोधी हिंदुत्ववादी वोट है, वो भी उसको मिलता है। तो ये सब मिलकर भाजपा के पास 40-42% वोटों की, या वो जो बढ़ के धीरे धीरे 45-49% तक हो जाता है, ऐसे वोटों की एक पूंजी, जमा पूंजी है भाजपा के पास। तो ये नितिन पटेल और विजय रूपानी जैसे नेता, या एक जमाने में केशु भाई पटेल थे इसी प्रकार के नेता हैं, जो कि असंतुष्ट थे, इनको सत्ता, जिनसे सत्ता छीन ली गई थी और दोबारा कभी सत्ता के निकट उन्हें फटकने नहीं दिया गया, तो ऐसे नेता जानते हैं कि वो विद्रोह करके कुछ कर नहीं सकते। देखिए केशु भाई पटेल ने भी पार्टी बनाई थी, आपको याद है? हाँ, बिल्कुल, 2013 में। पटेलों ने उनकी पार्टी को कोई भाव नहीं दिया। तो ये भाजपा गुजरात में एक अलग विकेट पे खेल रही है और हिमाचल प्रदेश में एक अलग विकेट पे खेल रही है। दोनों जगह परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। भाजपा का जनाधार जितना गुजरात में मजबूत है उतना हिमाचल प्रदेश में नहीं है। मैं एक और चीज, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो गुजर गई है लेकिन उस पर बहुत चर्चा नहीं हुई। बाई इलेक्शन हुए 7 जगह के और जैसा रिजल्ट आना था वैसे ही आया, लेकिन गोपालगंज के रिजल्ट को मैं एक बार आपसे इसलिए चर्चा कर लूं कि गोपालगंज में बीजेपी एक कम मार्जिन से जीती है और वहां पे AIMIM 12,000 वोट उसको मिले, BSP वहां पे कैंडिडेट खड़ा की, AIMIM अपने राज्य में उसने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, बीएसपी ने। तो ये बिल्कुल साफ साफ इस समय ये हो गया, जो मुझे लगता है कि वो बीजेपी की मदद के लिए वहां खड़े हुए थे उस गोपालगंज वाले इलेक्शन। हो सकता है ये मुसलमान समुदाय उपचुनाव में अलग तरीके से सोचता है, केवल एक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति होती है और वो लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अलग तरीके से सोचता है, इसलिए इस चुनाव में अगर उसने कुछ वोट प्रवेशी की पार्टी को मिल गए हैं या दलित वोट कुछ मायावती की पार्टी को मिल गए हैं, इससे हम लोगों के विश्लेषण को प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी मानता हूं कि जो महागठबंधन के पास जो जनाधार है वो जनाधार भारतीय जनता पार्टी के जनाधार से कई गुना ज्यादा मजबूत है। थोड़ा बहुत मजबूत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मामूली सा मजबूत है, वो कई गुना ज्यादा मजबूत है। वो भाजपा को अच्छी तरह धोएगा विधानसभा चुनाव में। एक चीज और जरा आपसे समझना था, अभी महाराष्ट्र की बहुत चर्चा हो रही, खास करके जब संजय राउत जी बाहर जमानत पे निकले हैं और उनका जो बेल ऑर्डर था वो मोरलेस बरी किया है, जैसे मुझे तो लग रहा है जैसे जज साहब ने जो सारी बातें कही उनका डिस्चार्ज किया है। खैर, वहां पे संजय राउत जी ने बाहर निकल के जो एक बयान दिया है उसको इस तरह से माना जा रहा है कि वो
शिवसेना की और नहीं तो कम से कम संजय राउत की नजदीकी बढ़ रही है बीजेपी से। लेकिन मैं इसको मैं ही मानता हूं कि भाजपा और शिवसेना में विवाद है और बहुत कड़ा विवाद है। इसके बावजूद भी भाजपा के कई नेताओं की शिवसेना में कुछ हाथ है, उसका पैर रखा रहता है और शिवसेना बहुत दिनों तक दोनों ने साथ साथ काम किया है और शिवसेना के कुछ नेताओं का। तो जो संजय राउत को जो राहत प्राप्त हुई है, हालांकि उन्हें 100 दिन से ज्यादा जेल में रहना पड़ा है, उसमें उनकी बातचीत से लगता है कि उसमें भाजपा की तरफ से भी उनको कुछ राहत मिली है। उन्होंने फडणवीस की इस तरह तारीफ की है, तो उससे भी लगता है। तो वो उन्होंने कहा मैं इनसे मिलूंगा, वो उससे मिलूंगा, वो उनका भी तो हाथ चट्टान नीचे दबा हुआ है, वो भी मामले में फंसे हुए हैं, उन्हें भी तो अपनी पेशबंदी करनी है। तो इसका मतलब ये हम नहीं निकाल सकते कि वो भाजपा में चले जाएंगे या शिवसेना का साथ छोड़ देंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। वो शिवसेना में ही रहेंगे लेकिन वो ऐसी परिस्थिति जरूर बनाएंगे ताकि दोबारा उनके ऊपर आंच ना आ पाए जी। क्योंकि मैं इसको इतना मैं उसको जरा समग्र रूप से अगर देखिए तो उधर एनसीपी में सुप्रिया सूले और इधर उद्धव ठाकरे के लड़के के बेटे आदित्य ठाकरे जी, ये दोनों लोग अपने को आइडेंटिफाई भारत जोड़ो यात्रा के साथ भी कर रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो एमबीए उनका है उसको भी ताकत देने की कोशिश कम से कम पार्टी लेवल पे जरूर हो रही है। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए मैं वहां पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, इन तीनों को मिलकर चलना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में या शिवसेना का जो टूटा हुआ शिंदे वाला गुट है, उसके साथ में इन लोगों के कोई भीतरी संबंध या भीतरी संवाद नहीं है, ये मानना उचित नहीं होगा। राजनीति इस तरह बहुत एकांगी रूप में नहीं चलती है, तरह तरह के संवाद दृश्य अदृश्य चलते रहते हैं, बैक चैनल, पृष्ठभूमि में डबल बैक चैनल, पता नहीं क्या क्या होता है, कौन सा संदेश वहां जाता है, किसी के कान में क्या कहता है, कौन क्या करता है, कुछ पता नहीं है। मतलब इसलिए कहां क्या हो रहा है ये अभी कहा नहीं जा सकता। और एकनाथ शिंदे अभी भी एक इस तरह की शक्ति हैं जिनका अंतिम हश्र क्या होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। उनके साथ जो लोग हैं वो अंतिम रूप से उनके साथ रहेंगे ये भी कोई तय नहीं है। हो सकता है उनमें से बड़ा हिस्सा उद्धव ठाकरे के साथ चला है, अगर परिस्थिति बदली हो सकता है उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग हैं वो बड़े हिस्से उनके साथ चले जाएं। तो अभी अभी बिल्कुल जिसे कहते हैं सिचुएशन बिल्कुल तरल है, फ्लक्स में है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल पिक्चर नहीं। और एक मैं जल्दी से ये करके इसको वो करूंगा, एक मैं इसलिए क्योंकि आपसे मैं ये भी समझ लूं, राजीव गांधी के वो जो 6 लोग बाकी हत्यारे थे जो ऑलरेडी कन्विक्टेड थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको छोड़ दिया है। ये मतलब हर तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ठीक है इतने दिन दे, लेकिन देखिए कांग्रेस का ग्राफ काफी नीचे गिरा हुआ है, इसलिए इस बात पर कांग्रेस की सोनिया गांधी परिवार की तारीफ नहीं हो रही है। लेकिन बहुत लंबे अरसे से जो राजीव गांधी के हत्या में जो लोग सजाएं काट रहे थे, जिनको फांसी हो गई उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो सजाएं काट रहे थे उनसे प्रियंका गांधी जाके मिली हैं, उनसे बातचीत की है, सोनिया गांधी ने उनको माफ किया है। तो अगर आज कांग्रेस अच्छी स्थिति में होती अपेक्षाकृत तो इन्हीं चीजों की एक सकारात्मक व्याख्या हो रही होती जो इस वक्त नहीं हो पा रही है, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य जी। और खत्म करने से पहले अंतिम प्रश्न, वो थोड़ा इसलिए खराब है कि हमारे आपके ऊपर हमारे ऊपर इसके ऊपर भी थोड़ा दाग लगता है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, ये जो अभी एक चैनल ने वो इंडिया के मैच, इंडिया इंग्लैंड के मैच से पहले 11 ज्योतिषियों को बुला के जो तमाशा किया है, ये मतलब कहां पे पहुंच जाएगा मीडिया, ये मैं इसलिए कि मैं तो इसका और भी ज्यादा आपको जरा दूरगामी जवाब दूंगा। ये जो फलित ज्योतिष है इसमें हम सब लोगों का हथेली देख के भविष्य बताया जाता है या तोता कार्ड निकालता है या कुछ और होता है, कुंडलियां बनाई जाती हैं या कुंडलियां देखी जाती हैं और उसमें ज्योतिषी लोग तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर और भव्य किस्म की दाढ़ियां और लंबे लंबे बाल रखकर चोटियां बनाकर और बड़े बड़े टीके लगाकर और हाथों में पोथियां और पत्रे लेकर, उसमें महिला ज्योतिषी भी बड़े पैमाने में शामिल इस तरह से पेश होती हैं जैसे कि वो टीवी सीरियल्स धारावाहिक में काम करने वाली नायक अभिनेत्रियां हो। फैंसी ड्रेस में कोई कमी नहीं होती, फैंसी ड्रेस में 100 मार्क्स। वो मेरा मानना है कि ये पूरा फलित ज्योतिष का दुर्गुण जो है ये भारतीय दुर्गुण नहीं है, ये पूरा दुर्गुण हम लोगों को जो मिडिवल क्रिश्चियन यूरोप था वहां से प्राप्त हुआ है। ये प्रोफेसी करने का यानी भविष्यवाणी करने का पूरा विचार ये मूलतः भारतीय विचार नहीं है,
संस्कृत में कहीं भी भारत में खगोल शास्त्र मौजूद है, खगोल शास्त्र को ही ज्योतिष कहा जाता था, ये फलित ज्योतिष नहीं है। इस पर प्रोफेसर चंद्रकांत राजू ने, जो बहुत बड़े मैथमेटिक गणितज्ञ हैं, जिन्होंने भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम, उसकी टीम के सदस्य थे, जिनकी बहुत मशहूर किताब है कल्चरल फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, सारी दुनिया में जिन्होंने घूम घूम के उन्होंने भाषण दिए हैं, IIT में यहाँ प्रोफेसर थे, उनको मैंने पढ़ा है, उनसे निजी तौर पर बातचीत की है और बहुत अच्छी उनसे बातचीत मेरी बातचीत है। वो स्पष्ट रूप से उन्होंने ये साबित किया है कि फलित ज्योतिष यूरोप द्वारा भेंट किया गया दुर्गुण है जो हमने ग्रहण कर लिया है कुछ संदाज में, जैसे कि ये हमारी परंपरा की देन हो। अब देखिए इस पूरे फलित ज्योतिष में जो ज्योतिषी वहां पर ड्रामा कर रहे थे, अंग्रेजों ने उस ड्रामे को धो दिया। हाँ, किस बुरी तरह से धो दिया। उन्होंने केवल भारत के ज्ञानवादियों को ही नहीं पीटा, उन्होंने भारत के ज्योतिषियों को भी पीटा। जी 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 जी। और नहीं, और कॉम्प्रेहेंसिवली पीटा, मतलब एक को मैं कहने कोई नहीं सकता। देखिए इससे बड़ी पराजय कोई नहीं हो सकती है, हो सकती है। ये जब पाकिस्तान ने पिछली बार 10 विकेट से हराया था भारत को, यही बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है टिक गए थे, उन्होंने पूरा 157 का स्कोर ओवरहॉल कर दिया था, उस वक्त स्कोर कम था काफी, हैं? ये तो स्कोर भी आपका 170 था। हाँ, और उससे भी ज्यादा अधिकार के साथ में उन्होंने हेल्स ने और जॉश बटलर ने इन लोगों की पिटाई की, तो वो तो बहुत ही अफसोसनाक है। हमारे कप्तान साहब जो है रोहित शर्मा, इनको व्हाइट बाइल जाइंट बोला जाता है, ये वहां पर ड्राइंग रूम में जाकर रोने लगे, फिर उनको किसी तरीके से टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने उनको चुप कराया। इनकी असली समस्या ये है कि इन लोगों ने टीम का गलत चयन किया। सब लोग कह रहे हैं, ये केवल केवल राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के मुंह से ये बात नहीं निकल रही है। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा इसकी समस्या के मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आपने एक ऐसी पिच के ऊपर जहां पर इंग्लैंड के जो रिस्ट स्पिनर थे उन्होंने भारत के बल्लेबाजों को बांध दिया और महत्वपूर्ण विकेट भी उन्होंने हासिल किए, रन भी उन्होंने कम दिए, हैं? वहां पे इन्होंने फिंगर स्पिनर्स को खिलाया, और न केवल सेमीफाइनल में खिलाया बल्कि शुरू पहले दिन से ही लगातार खिलाते आ रहे हैं। जो IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दोनों बॉलर हैं, एक है हर्षल पटेल और दूसरे हैं युजवेंद्र चहल, उन दोनों को आपने बैठा ही रखा लगातार। तो ये तो स्थिति है। आपके जो पहले 3 बल्लेबाज हैं वो भी इसमें कोहली के ऊपर आप कोई दोष नहीं लगा सकते, कोहली बहुत अच्छा खेले, लेकिन वो अच्छा में ही शुरू में बहुत धीमे खेलते हैं कोहली, बाद में वो तेज गति से खेलते हैं तब उनका 150 के करीब स्ट्राइक रेट हो जाता है, लेकिन इत्तेफाक से अगर वो शुरू में धीमे खेलते समय कहीं आउट हो जाए, आउट तो क्रिकेट में कभी भी कोई हो सकता है, मान सम्मान खिलाड़ी एक साधारण गेंद पे भी आउट हो सकता है, कहीं वो आउट हो जाए तो फिर वो उन्हें मौका नहीं मिलता है कि वो उस अपनी धीमी जो शुरुआत है उसको तेज गति के साथ फिनिश कर सकें। तो बड़ी भारी समस्याएं थी इस टीम के साथ में। तो ये टीम तो मुझे नहीं लगता कि इस टीम का कोई भविष्य है। ये टीम तो जाने वाली है, कप्तान साहब भी जाने वाले हैं, नया कप्तान तैयार है, हार्दिक पांड्या तैयार है, और वो कप्तान भी नया होगा, नए खिलाड़ियों के साथ खेलेगा, तब देखिए क्या होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। आपको ध्यान होगा जब भी आप पुरानी प्रतिष्ठा के दम पर नया टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो यही होता है। धोनी के नेतृत्व में भारत ने एक वर्ल्ड कप जीता, दूसरी बार जब धोनी के नेतृत्व में टीम फाइनल में पहुंची तो फाइनल में हम लोग क्यों हार गए थे आपको याद है? वही युवराज सिंह जिसने 6 छक्के मार के पहला वर्ल्ड कप जिताया था, वही युवराज सिंह रन रेट बढ़ाने में नाकाम रहा। कोहली दूसरी तरफ से बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन युवराज सिंह में बॉल नहीं हिट हो रही थी। हाँ। वही अगर उस युवराज सिंह को पुरानी प्रतिष्ठा के नाम पर आप न ले जाते अपने साथ में, किसी नए खिलाड़ी को ले जाते, तो उसमें ताजगी आती और भारत वो वर्ल्ड कप जीत सकता था। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते तक और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।